हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PSDJ ब्लॉग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्राइवर यूनिट के बारे में, जो 40 वाट 100 वोल्ट का जो होता है, उस यूनिट के बारे में आज बात करेंगे, उसका फुल रिव्यू करेंगे और यूनिट जल जाता है तो उसको कैसे रिपेयर करें, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं कि हम लोग यूनिट को कैसे रिपेयर करें। तो फाइनली दोस्तों, ये हमारा रहा ड्राइवर यूनिट, जो अहूजा कंपनी का है। ये PA ड्राइवर यूनिट, जो इसका मॉडल नंबर है AU40XT। इसका प्राइस कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 1595 और राउंड 1600। तो देखते हैं इसको अनबॉक्स करके। ये हमारा रहा ड्राइवर यूनिट, इसको करते हैं साइड। इसका ये हो गया होलोग्राम। देखिए, ओरिजिनलिटी का ये पहचान दिखाता है जो ये होलोग्राम दिया रहता है, अहूजा PA ड्राइवर यूनिट विथ 100 वोल्ट। मॉडल नंबर हो गया AU40XT, यानी यह 40 वाट का है। इसमें 50 वाट, 60 वाट, 80 वाट, 100 वाट, 120 वाट तक का भी इसका मॉडल में आता है। ये IP66, इसका मतलब ये हो गया कि फुली वाटर प्रूफ है। आप इसको बारिश के दिन में भी रन करेंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, जरने का कोई चांस नहीं रहेगा। बट यूनिट लगाने का अलग अलग अपना तरीका होता है कि बारिश के समय में कैसे यूनिट लगाएं। यहाँ पर देखिए, इसका मेंशन किया हुआ है। इसमें आप 40, 30, 20, 10, 5 तक बजा सकते हैं। जो इसका पावर रेटिंग जो दिया हुआ है, हो गया WW। आप जान सकते हैं कि ओरिजिनल जो इस तरह दिखता है, इसलिए आपको वो दिखा है। ये हमारा हो गया जो डायफ्राम होता है, इसके अंदर सेट करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका जो ड्राइवर यूनिट जल जाता है, इसके अंदर का जो डायफ्राम यानी कॉइल होता है जो, उसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे। फुल वीडियो देखिए, आपको फुल जानकारी मिलेगा। इसको करते हैं साइड। ये हमारा हो गया ड्राइवर यूनिट, जो यहाँ पे इसका नट स्क्रू है, इसको पहले हम लोग खोलेंगे। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं पेचकस के सहायता से। वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देंगे। करवाते हैं, ये देखिए हो गया कवर गया है डायफ्राम, पानी इसके थ्रू घुस गया है, इसी के चलते ये लग रहा है फॉल्ट हो गया है। ये हो गया हमारा
डायफ्राम, इसको यहाँ पे ऐसे निकाल लिया जाए, सावधानी से निकालिएगा ताकि वायर ना नोचाए। और एक बात को नोटिस कीजिएगा दोस्तों, इस वायर को छुड़ाते समय कि ये कौन सा वायर कहाँ पे लगा है, तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे L2 लिखा है, यहाँ पे L2 लिखा है और यहाँ पे L1 लिखा है। यानी सिंपल सी बात है कि जो L1 है उसमें रेड वायर लगेगा, इस रेड वायर को ऐसे आप निकाल दीजिए और जो L2 है वहाँ पे ब्लैक वायर लगेगा। तो हम लोग ब्लैक वायर को निकाल लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये जो हमारा डायफ्राम है जो रिजेक्ट हो गया, अभी ये प्रोग्राम में चलते चलते कट गया है। तो चलिए इसको चेंज, इसको अब रख देते हैं, ये हमारे काम लायक नहीं रहा। इसके अंदर कुछ इस तरह का रहता है, ये स्विच हो गया, इसके बारे में अभी हम आपको समझाएंगे। ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा हो गया जो न्यू डायफ्राम है, देख सकते हैं इस ओरिजिनल का ये अहूजा इस पे मेंशन किया हुआ है। ओरिजिनल मार्केट से ही बाय कीजिएगा, ओरिजिनल देखिए यहाँ पे इसका सीरियल नंबर है।
एक ही नट एक ही बार में टाइट नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो फिर जो कॉइल का सेफ होता है वो मुड़ जाएगा। वॉल्यूम नोब इसके बारे में आपको बता दे रहे हम। मान लीजिए कभी आप लोग 250 वाट के एम्पलीफायर पे इसको रन करवा रहे हैं तो उसके अनुसार सबको मैचिंग कराना होगा कि हम कितना यूनिट रन करवाएंगे। तो मान लीजिए 250 वाट मेरा एम्पलीफायर रहेगा जो कोई भी ब्रांड का हो, किसी भी कंपनी का हो, तो मैक्सिमम 300 लोड ले सकता है यूनिट का, 250 या 300 मतलब ले। मेरा 160 तो मेरा 90 वाट जो है बेसी है, तो 90 वाट बेसी होने का मतलब ये हो गया
कि आपको वायर जितना लंबा दूर ले जाइएगा उसका भी एम्पलीफायर पे लोड आता है। तो आप सजेशन ये रखिए कि 50 वाट या 90 वाट या 100 वाट इस यूनिट एम्पलीफायर से और यूनिट के बीच में गैपिंग रखें। आप इसमें 5 को भी रन करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम 4 को करवाते हैं, 4 को चलाते हैं, बहुत बेस्ट क्वालिटी और अच्छा साउंड निकलता है। तो ये इसका फंक्शन यही है। आप मान लीजिए इसको 30 पे आप करिएगा, इसको आप अगर 30 पे करिएगा, ये 30 पे करने का मतलब यही हो गया कि जैसे हम जोड़े तो ये हो गया 4 × 12 यानी 120, यानी 120 वाट का भी एम्पलीफायर रहेगा, तो ये उस पर रन करवा सकते हैं, एम्पलीफायर पे कोई लोड नहीं पड़ेगा। इसी तरह से ये 20 और 10 और 5 होता है। 5 पे मत चलाइए, 5 पे बहुत इसका साउंड क्वालिटी कम हो जाएगा। बस दिखाने के लिए होता है कि हाँ ये मेरा यूनिट बज रहा है। मान लीजिए जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम दशहरा वगैरह में लगता है भीड़ भाड़ में, तो लोग 10-20 पे चलाते हैं, ज़्यादा साउंड क्वालिटी नहीं रहता है, लेकिन पता चलता है कि हाँ ये बज रहा है। तो यही इसका फंक्शन हो गया। अब चलिए इसको एक बार चेक कर लें कि ये इसका डायफ्राम चेंज हुआ, तो इसका चेक कर लें कि ये सही है या नहीं, फिर आगे जाके प्रोग्राम में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप लोग जब भी डालिए इसमें आप लोग यहीं पे चेक कर लीजिए। तो फिलहाल तो हम लोग HW के बैटरी से चेक कर ले रहे हैं, लेकिन वो हमारे पास अभी नहीं है, है दूसरे जगह, तो इसी से हम लोग चेक कर ले रहे हैं। ये हमारा यहाँ पे दिया होगा प्लस माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो प्लस के साइड हम लोग इस वायर को रखेंगे, टच करेंगे तो इसमें से आवाज आएगा, थोड़ा ही आवाज आएगा, आप लोग सुनने की कोशिश करिएगा। तो फाइनली दोस्तों ये चेक हो गया, ये ठीक है। अब इसको हम रन कर सकते हैं कहीं पर भी, ये पूरा हमारा सही है, चेक हो गया। तो फाइनली दोस्तों इस यूनिट को हम लोग चेक कर लिए और देख भी लिए कैसे इसको इसका डायफ्राम चेंज होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इससे पहले आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसा वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे।